जी नमस्कार, आपका हमारी न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। बड़ी खबर है जहां भाजपा पार्टी ने कुलदीप बिश्नोई को दिया बड़ा झटका। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल विस्तार में कुलदीप बिश्नोई समेत कई दिग्गज नेताओं को तवज्जो नहीं दी गई। 28 साल से इंतजार कर रहे आदमपुर को एक बार फिर इंतजार ही मिला है। बिश्नोई समाज के लोगों ने जन्माष्टमी के मौके पर हिसार में तत्कालीन सीएम मनोहर लाल से भव्य बिश्नोई के लिए मंत्री पद मांगा था। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुलदीप को सह प्रभारी बनाया गया था। उनके प्रचार क्षेत्र में भाजपा 22 सीटें जीती थी। राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद भव्य बिश्नोई को मंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा उठी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। वर्ष 1996 के बाद आदमपुर मुख्यमंत्री तो दूर मंत्री पद के लिए भी तरस रहा है। 2022 में आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई ने विधायक पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया था और सत्तारूढ़ भाजपा का दामन थाम लिया था। उसके बाद नवंबर 2022 में हुए उपचुनाव में भाजपा ने कुलदीप के बेटे भव्य बिश्नोई को चुनावी रण में उतारा था। उन्होंने कांग्रेस के जयप्रकाश जैपी को 15,000 से ज़्यादा मतों से हराकर आदमपुर की प्रदेश सरकार में हिस्सेदारी करवाई थी। भाजपा से विधायक बनने के बाद उम्मीद जगी थी कि भव्य बिश्नोई को मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उम्मीद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई। वहीं भव्य बिश्नोई ने ट्वीट किया है कि सभी मंत्रियों को हार्दिक बधाई, नए मंत्री पार्टी के जल कल्याणकारी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदमपुर विकास की पटरी पर अग्रसर है, हल्के में विकास की गति और तेज करने का प्रयास रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, मिलते अगली वीडियो में। धन्यवाद।